अब हम बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, सपा के पूर्व एमएलए हैं आरिफ अनवर हाशमी, जिन पर कार्रवाई हुई है। पूर्व विधायक का 1,20,00,000 का प्लॉट जब्त हुआ है। बलरामपुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 16 में प्लॉट जब्त किया गया है। उतरौला से पूर्व विधायक है आरिफ अनवर हाशमी। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर 29 केस दर्ज बताए गए हैं। तो सपा के पूर्व एमएलए पर शिकंजा कसा है। 1,00,00,000 से ज्यादा का प्लॉट जो है उनका वो जब्त कर दिया गया है। पूर्व विधायक है आरिफ अनवर हाशमी, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1,20,00,000 का उनका प्लॉट जो है वो जब्त किया गया है। और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर ये कार्रवाई हुई है। वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 16 में प्लॉट जब्त किया गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सपा के पूर्व एमएलए की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बताया जा रहा है 1,00,00,000 से ज्यादा का प्लॉट जब्त हो चुका है। देखिए बिल्कुल, लखनऊ के वृंदावन में सपा के पूर्व एमएलए का प्लॉट था, जिसको जो है फिलहाल जब्त कर लिया गया है। चूंकि लगातार कोर्ट की कार्रवाई की जा रही है, और इसी कड़ी में सपा के पूर्व एमएलए की जो संपत्ति है लखनऊ के वृंदावन में मौजूद थी, जिस पर ये फिलहाल कार्रवाई की गई है और उनकी संपत्ति को फिलहाल कुर्क कर दिया गया है। चूंकि लगातार तमाम उनकी संपत्तियाँ चिन्हित की जा रही थी, जिसमें लखनऊ की भी 1,00,00,000 से ज़्यादा की ये संपत्ति जो है चिन्हित की गई थी, जिस पर फिलहाल जो है कार्रवाई जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए इस वक्त।